बोलना। सबसे बड़ी मजबूरी है, हमारी ये मजबूरी है और यहाँ बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से ये नाला बढ़ जाता है, तो हम लोग कहाँ से किधर से जाएं। हमारी मजबूरी है कि सर्विस रोड अगर शासन पास कर दे यहाँ से। लाज रोड पर क्यों आप लोग खड़े हैं? हमारा नाम रामकली है, सर्विस रोड चाहिए गांव तक और जमुना तक। बाढ़ आ जाती है, खेती पाती नहीं कर पा रहे हैं। खेती पाती कछु है पात है ना, तो पे जंगल घेरान है और ना जमुना जी जाए पात है। जालंग से भालंग कैसे होते हैं जब वो सर्विस रोड नहीं है। बच्चा अपने कराई कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए आप धरना धरा है। एक साल हो गई रोड खत्म हो गया। और दूसरी बात, शमशान घाट यहाँ पड़ता है, जैसे शमशान घाट लोग आएंगे पन्नार मोड़ी और मिहौली करमपुर विमानपुर दासपुर कोठी नवलपुर ये सारे गांव कहाँ 15-20 किलोमीटर जाके शेरगढ़ घाट पर जाते हैं। तो अगर सर्विस रोड बन जाता है तो यहाँ से इन लोगों को इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी, यहाँ से 3-4 किलोमीटर जाके वो जमुना पर पहुँच सकते हैं और सभी लोग शामिल हो सकते हैं। संजीव कुमार निषाद है। आज क्या मामला है, किस लिए आप इस रोड पर खड़े हैं? हम लोग एक साल से काफ़ी शिकायत कर रहे हैं डीएम साहब को, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है और बाढ़ आ जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, गिर जाती है, आसपास की बाढ़ घेर लेती है और यहाँ पे कोई सर्विस रोड नहीं है। अंडरब्रिज मांगा है, हमारी इस तरफ जमीन पड़ती है और इस तरफ भी पड़ती है, हम लोग बड़े परेशान हैं, कर नहीं पाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना तो कोई सुविधा है ना तो स्कूल है, यहाँ से रोड मांगी है, मेहौली से मांगी है जमुना शमशान घाट तक। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग धरना धरे हैं जब तक सब लोग साथ में हैं, जब तक सर्विस रोड नहीं होगी जब तक हम यहीं रहेंगे दिन रात। सब लोग दिन रात का धरना रखा है, भूख प्यास से हटेंगे पर रोड जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। बहुत बड़ी मजबूरी है, 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 बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या मामला है? जो मामला हमें सर्वे रोड चाहिए जमुना तक, गांव तक चाहिए जमुना बड़े, हम लोग हैरान तक डूब जाते। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। मैंने और इसमें प्रयास किया है, माननीय दाखिल सिंह राजपूत जी द्वारा भी डीएम साहब को कहलवाया गया लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं मिला। मैंने पिछली किसी समकक्ष तारीख को एक ज्ञापन दिया था, उसमें लिखा था यदि मेरा कार्य नहीं होता है तो मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम रुकवाने का काम करेंगे, जिसकी कार्रवाई लगभग एक महीना हो चुका है, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। लिहाजा मैं एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन आज एक दिवसीय के रूप में यहां करेंगे और अवगत कराएंगे कि 23 तारीख से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का कार्य रुकवाने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और काम को भी रोकेंगे। और जो भी समारोह होगा, किसी तरह का समारोह होता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर, तो भी उसका विरोध करेंगे। प्रदर्शन में आएगा हम यन एक होते सुमन आई। हां हां गांव में सब बंद है। चलो 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 च
खाना खाना आवाज़ नहीं।